भारत में खेले जा रहे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान का अब तक का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। नीदरलैंड और श्रीलंका पर लगातार जीत के बाद पाकिस्तान टीम को भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करारी हार झेलनी पड़ी है। 4 मैचों के बाद पाकिस्तान की टीम पॉइंट टेबल में 5वें स्थान पर काबिज है। पाकिस्तान अपने अगले मुकाबले में सोमवार को चेन्नई में अफगानिस्तान से भिड़ेगी। इससे पहले पाकिस्तान के ओपनर इमामुल हक ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है, जिसके कारण वो काफी चर्चा में बने हुए हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्रदर्शन करने में नाकाम रहने वाले इमामुल हक का कहना है कि उनके बल्लेबाजों को छक्के लगाने के लिए ज्यादा प्रोटीन खाने की जरूरत है। दरअसल अफगानिस्तान के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज इमामुल हक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान जब उनसे वर्ल्ड कप 2023 में पावर प्ले के दौरान उनकी टीम द्वारा कोई भी छक्का नहीं लगाने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने ये अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शायद हमें अधिक प्रोटीन खाना चाहिए, ना कि कार्बोहाइड्रेट, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। हम वास्तव में इसे महसूस नहीं करते हैं। अगर हम छक्का या चौके नहीं मार पा रहे हैं तो हम टीम के लिए क्या कर रहे हैं, और अगर हम मैच जीत रहे हैं, दुर्भाग्य से पिछले 2 मैचों में हम अच्छा नहीं खेले और हम इसे स्वीकार करते हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है कि हमारे पास अभी भी 5 मैच हैं तो हम सेमीफाइनल में जाएंगे, लेकिन आप कैसे खेलते हैं और आप इसके लिए कैसे तैयारी करते हैं, ये वास्तव में मायने रखता है। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप 2023 में खेले अब तक के 4 मुकाबलों में पाकिस्तान की टीम ने सिर्फ 15 छक्के लगाए हैं, जिसमें से ज्यादातर अब्दुल्ला शफीक ने जड़े हैं, जिनके नाम 5 छक्के हैं। गौर करने वाली बात यह है कि भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तान की ओर से एक भी छक्का नहीं लगा था, जबकि भारतीय कप्तान अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में 17 छक्के लगा चुके हैं, और जबकि पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने अकेले ही 6 छक्के जड़ दिए थे। अब आपका इमामुल हक के इस कॉमेंट पर क्या कहना है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी और भी ऐसी अपडेट्स को देखने के लिए क्रिकेट एडिक्टर को देखते रहिए। धन्यवाद।